नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की ये कहानी उस मासूम की है जो मुंबई के एक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है और अब उसकी इस जंग में साथ दिया है देश के PM नरेंद्र मोदी ने। साल 2019 दिसंबर का महीना था जब प्रियंका और मिहिर को पता चला कि वो माता पिता बनने वाले हैं। मिहिर की खुशी का ठिकाना नहीं था। मिहिर IT कंपनी में जॉब करते हैं और प्रियंका फ्रीलांस इलस्ट्रेटर हैं। प्रियंका और मिहिर ने अगले 9 महीने तक अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करने के लिए खूब तैयारियां की और फिर वो दिन आया जब एक प्यारी सी बेटी ने उनके घर जन्म लिया। प्रियंका और मिहिर ने नाम दिया तीरा। तीरा की आंखों की चमक और मुस्कान ने प्रियंका और मिहिर का घर और दिल खुशियों से भर दिया। तीरा 1 महीने की हो गई, लेकिन फिर तीरा की तबीयत में कुछ गड़बड़ होने लगी। कुछ दिन बीते और तीरा की हालत बिगड़ने लगी। तीरा की माँ उसे दूध पिलाती तो उसका दम घुटने लगता, उसके शरीर में पानी की कमी होने लगती। हालत इतनी बिगड़ गई कि पोलियो ड्रॉप पिलाते समय ही कुछ सेकेंड के लिए तीरा की सांसें ही रुक गई। तीरा की हालत देखकर प्रियंका और मिहिर के हाथ पांव फूल गए। वो उसे लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, तब पता चला कि 2 महीने की इस छोटी सी बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी नाम की एक बड़ी बीमारी है, यानी तीरा के शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जीन नहीं है। इस जीन के ना होने से मांसपेशियाँ और नर्व्स खत्म होने लगती हैं। बच्चे में ये डिसऑर्डर होने पर धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। इस बीमारी से नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में ब्रेन धीरे धीरे मसल्स को कंट्रोल करने के लिए मैसेज भेजना बंद करने लगता है, जिसके बाद बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता, वो चल फिर नहीं पाता। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, बच्चे का खुद से हिलना डुलना बंद हो जाता है। स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी 5 टाइप की होती हैं और इनमें से टाइप 1 सबसे खतरनाक है और तीरा इसी की शिकार है। फिलहाल इस बीमारी का कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जीन रिप्लेसमेंट के जरिए तीरा को बचाया जा सकता है। डॉक्टरों ने प्रियंका और मिहिर को बताया कि जोल्स जेंसमा नाम के इंजेक्शन की एक डोज से ये हो सकता है। इस इंजेक्शन के बिना तीरा का 2 साल तक भी इस दुनिया में रहना मुश्किल है, लेकिन ये इंजेक्शन फिलहाल देश में उपलब्ध नहीं है, इसे अमेरिका से मंगवाना पड़ेगा। प्रियंका और मिहिर तीरा को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे, लेकिन एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है और इस पर करीब 6 करोड़ रुपए का टैक्स अलग से चुकाना होगा। तीरा की जान की कीमत 22 करोड़ रुपए थी, पर इतनी बड़ी रकम मिहिर और प्रियंका के लिए जुटाना नामुमकिन था। वक्त तेजी से बीत रहा है और तीरा के लिए हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है। हर रात मिहिर और प्रियंका इस डर में सोते कि तीरा की अगली सुबह होगी भी या नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मिहिर और प्रियंका ने पैसा इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की और उनकी मेहनत रंग भी लाई। लगभग 1 लाख लोगों ने तीरा को बचाने के लिए दान किया और क्राउड फंडिंग के जरिए 16 करोड़ रुपये जमा हो गए। लेकिन अभी भी इस इंजेक्शन को अमेरिका से मंगवाने के लिए कस्टम ड्यूटी और GST के 6 करोड़ रुपए जुटाना बाकी था। प्रियंका और मिहिर ने अब सरकार से गुहार लगाई। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा। तीरा के इलाज में आने वाली आखिरी अड़चन को PM मोदी ने खत्म कर दिया है। उन्होंने इस मासूम को बचाने के लिए 6 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी और GST माफ़ कर दिया। अब बस उम्मीद है कि तीरा को जीवन दान देने वाला वो इंजेक्शन जल्द ही भारत आएगा और तीरा की आंखों की ये चमक और ये प्यारी सी मुस्कान बनी रहेगी। TV9 तीरा के जल्द ठीक होने की कामना करता है। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।